नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की खबर रामगढ़ से। आजसू छात्र संघ के तत्वाधान में रामगढ़ के चितरपुर रजरप्पा मोड़ के निकट स्वर्गीय रिजुनाथ चौधरी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और समाज सेवी श्रीमती सुनीता चौधरी ने किया। बताते चले कि आयोजन समिति के लोगों ने अतिथियों का ढोल नगाड़ा के साथ माल्या अर्पण किया। इस दौरान खिलाड़ियों के परिचय प्राप्त करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि स्वर्गीय रिजुनाथ जी खेल और खिलाड़ियों के प्रति सदा समर्पित रहा करते थे, जी हां, जो आज हमें प्रेरणा देने का काम कर रहा है। आगे भी आजसू ऐसे आयोजनों के माध्यम से ग्रामीण खिलाड़ियों के प्रतिभा को निखारने के प्रति कृत संकल्प है। वहीं श्रीमती सुनीता चौधरी ने कहा कि आजसू हमेशा से खेल व खिलाड़ियों के विकास को लेकर पूरे क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभाती रही है, जो आगे भी पूरा निष्ठा के साथ जारी रहेगा। बताते चले कि कार्यक्रम में आजसू जिला कार्यकारी अध्यक्ष अमृत लाल मुंडा, हाजी रफीक अनवर, सुबीर तिवारी, अनुराग भारद्वाज सहित और भी कई लोग उपस्थित थे। टीचर ट्रेनिंग ग्राउंड में उपस्थित आयोजन समिति संरक्षक अनुराग भारद्वाज जी, अध्यक्ष सुबीर तिवारी जी, आश्रम छात्र संघ प्रदेश पूजनीय स्वर्गीय रिजुनाथ चौधरी जी को मैं नमन करती हूँ, जो इनके नाम से आयोजन हो रहा है और इनका आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे, यही मैं कामना करती हूँ। और खेल खिलाड़ियों को हमेशा प्रोत्साहित करते थे और देश की उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, पर शिक्षा के साथ साथ खेल भी, खेल कूद भी जरूरी है। स्वास्थ्य, खेल स्वास्थ्य के साथ साथ जीवन जीने के भी प्रेरणा मिलती है और स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य मन का भी आगे विकास करती है। खेल स्थान का बहुत जरूरी है और मैं यहाँ पे उपस्थित अभिभावकों से मैं अपील करूँगी कि अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी प्रेरित करें और अपने क्षेत्र और भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए अपना नाम रोशन करें।